press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good evening friends, मैं अमित माहेश्वरी आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज के बहुमूल्य समय में से ये दो घंटे का समय आपने अपने जीवन में लर्निंग के लिए निकाला और बहुत सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए निकाला. फ्रेंड्स, आई हैव ओनली ऑब्जर्वेशंस टू लर्न फ्रॉम. मैंने अपनी लाइफ में जितना भी अध्ययन किया केवल सफल व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करके, और जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हुए उनकी असफलता के कारण को अध्ययन करके मैंने अपनी लाइफ को सफल बनाया. फ्रेंड्स, शिक्षा का महत्व तो मैंने बचपन से ही सीख लिया था, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता, आपसे ले नहीं सकता. आप अपनी शिक्षा का प्रयोग करके अपने जीवन में निरंतर सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं. आज हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में अपार सफलता पाना चाहता है. शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहता. हर व्यक्ति की एक चाहत होती है. जब एक व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में अपना करियर शुरू करता है तो उसकी आंखों में एक चमक, समाज के लिए कुछ बेहतर करने का जोश, जज्बा और अपने साथियों के सामने एक बेहतरीन मुकाम हासिल करने का जुनून होता है. लेकिन क्या हम में से हर व्यक्ति उस जुनून को प्राप्त कर पाता है, उस जुनून के माध्यम से अपने जीवन के हर सपने को साकार और सफल हो पाता है? तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करता हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका जन्म 10 सितंबर 1964 में चाइना के एक छोटे से गांव में हुआ. गांव में बहुत अधिक गरीबी थी, भूखमरी थी, लेकिन उस बच्चे के मन में एक सपना था कि मुझे अपने परिवार का नाम, अपने पिता का नाम पूरे विश्व में रोशन करना है और जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा. जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, वो 13 वर्ष की आयु पर पहुंचा, तो 13 वर्ष की आयु में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उस बच्चे ने चाइना में टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करना शुरू किया. और जब टूरिस्ट गाइड के रूप में वो काम करता था तो बहुत सारे देशों से जब चाइना में लोग उनके फोर्ट, उनकी नदियां, उनके खेत खलियान और बहुत सारी चीजों को, उनके पिकनिक स्पॉट्स को देखने आते थे, तो वो व्यक्ति उनके साथ बात करते करते धीरे 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 अभ्यास करते करते अंग्रेजी में बहुत निपुण हो गया, क्योंकि टूरिस्ट को सबसे ज्यादा लैंग्वेज समझ में आती थी वो इंग्लिश थी. और धीरे धीरे इंग्लिश भाषा में उसकी कमान बहुत मजबूत हो गई. परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो जो भी पैसा कमाता था उसका कुछ हिस्सा अपनी एजुकेशन पे खर्च करता था. वो बच्चा क्योंकि साथ में काम किया करता था, 2 बार फोर्थ क्लास में फेल हुआ और 5 बार 8th क्लास में फेल हुआ. जैसे तैसे करके उसने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया. जितना भी समय उसके पास था उस समय में टूरिस्ट गाइड का काम करते करते वो अध्ययन किया करता था. और धीरे धीरे वो जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते जब ग्रेजुएशन में आने का समय आया तो 5 बार चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम में वो फेल हुआ. एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने के बाद उसे लगा कि मुझे तो ग्रेजुएशन करनी है, इसीलिए उसने चाइना के सबसे वर्स्ट 3rd क्लास कॉलेज में एडमिशन लिया और उसने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की. ग्रेजुएशन करने के बाद जब उसने अपना करियर शुरू किया तो लगभग 30 बार वो जॉब्स में इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया. और उसी समय चाइना में KFC कंपनी ने एंटर किया और KFC ने अपना जब पहला आउटलेट चाइना में बनाया तो उसमें जॉब प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए. और पहले इंटरव्यू में लगभग 24 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से वो बच्चा भी था. उन 24 के 24 इंटरव्यू के पार्टिसिपेंट्स में से 23 लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए और रह गया तो केवल वो बच्चा. अपनी लाइफ में अनेकों बार असफलता मिलने के बाद जहां एक व्यक्ति अपने जीवन से मायूस हो जाता है और कई बार तो सुसाइड के अटेम्प्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता है, ऐसे समय पर उस व्यक्ति ने अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाए रखा और इंग्लिश में उसकी कमांड अच्छी होने की वजह से एक कॉलेज ने चाइना के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ट्रांसलेटर के रूप में उसको जॉब प्रोवाइड की. और 1994 में वो व्यक्ति चाइना के एक कॉलेज में एज अ ट्रांसलेटर काम करने लगा. और 1995 में उसे एक मौका मिला अमेरिका में 10 दिन के लिए घूमने जाने का. जब वो व्यक्ति जीवन में पहली बार अमेरिका गया तो उसने देखा कि वह बहुत सारे बिजनेसेस में इंटरनेट का भरपूर प्रयोग किया जाता है. और उसी समय उसके मन में एक विश्वास जागा कि मैं चाइना में यदि इंटरनेट से संबंधित कोई बिजनेस करता हूं तो शायद मैं चाइना का नाम पूरे विश्व में फेमस
कर सकता हूं। फिर चाइना में वापस आने के बाद उस व्यक्ति ने बहुत अधिक प्रयास किया, पूरी मेहनत से एक पहली बार ऐसा पोर्टल बनाया जो चाइना में फेल हो गया और उस पोर्टल का नाम है चाइना येलो पेजेस। पूरे जीवन में भरसक प्रयास करने के बाद भी और अनेकों असफलताओं का सामना करने के बाद भी उसके मन का विश्वास कम नहीं हुआ और चाइना येलो पेज चाइना में फ्लॉप हो गया। उसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर उस व्यक्ति ने एक वेबसाइट का निर्माण किया और वो वेबसाइट चाइना की नहीं विश्व की सबसे बड़ी B2B पोर्टल बन गई और उस वेबसाइट का नाम है alibaba.com। इसीलिए मैं अपने अनेकों प्रोग्राम में कहता हूं कि ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। याद रखो जो कर्म करेगा भाग्य उसका दास है, मांग मत ईश्वर से तेरा भाग्य तेरे साथ है। लक्ष्य ऊंचा साध लोगे तो तीर ऊंचा जाएगा और काम ना छोटी करोगे तो हाथ कुछ ना आएगा। ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। और जैकमा ने जब पहली बार चाइना में एक पोर्टल बनाया तो उसमें उसको असफलता मिली, लेकिन उस असफलता को उसने स्वीकार किया, कहां कमी रह गई उस पर पूर्ण रूप से विचार किया और उस व्यक्ति ने इतिहास रच दिया। $20 बिलियन का बिजनेस alibaba.com ने पूरे चाइना में नहीं पूरे विश्व में खड़ा कर दिया। आज पूरे विश्व में 800 मिलियन से ज्यादा लोग alibaba.com के माध्यम से B2B पोर्टल पर अपना बिजनेस पूरे विश्व में फैला सकते हैं और आज पूरे विश्व में alibaba.com के माध्यम से 800 मिलियन पीपल अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। अपने शुरुआती दौर के पहले 4 सालों में ही alibaba.com ने इतना बिजनेस किया जितना बिजनेस Amazon और ebay.com ने मिलकर भी नहीं किया। और आज पूरा विश्व उस व्यक्ति को जैकमा के नाम से जानता है और जैकमा नाम उसको एक टूरिस्ट ने उस समय दिया जब वो अंग्रेजी में उससे बात किया करता था। जैकमा का असली नाम है मा यून। तो फ्रेंड्स, आज जो घटना मैंने आपको बताई उस समय हमारे जीवन में क्या ऐसी सीख मिलती है जिसका अनुकरण अपने जीवन में करने के बाद आप में से हर विद्यार्थी, आप में से सीट पर बैठा हर व्यक्ति अपनी सफलता को हासिल कर सकता है। फ्रेंड्स, आज इंडिया कॉन्फ्रेंस सेंटर में जिस व्यक्ति की असफलता से लेकर विश्व सफलता तक की जो स्टोरी मैंने आपको बताई, यदि हम उसकी सफलता से कुछ चीजों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि जीवन में कितनी अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। 5 बेसिक पॉइंट्स जो जैकमा ने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए, यदि आप में से सीट पर बैठा हर व्यक्ति अपने जीवन में इन सफलता के सिद्धांतों का अनुकरण करता है तो वो दिन दूर नहीं जब सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी। और सफलता का पहला नियम है पॉजिटिविटी, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। यदि हम में से हर व्यक्ति जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है तो वो दिन दूर नहीं जब सफलता आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। टॉलरेट फेलियर एंड रिजेक्शन, बहुत सारे लोग यदि जीवन में एक बार असफल हो जाएं तो वो अपने जीवन को बर्बाद मानते हैं, लेकिन यदि आप ये टॉलरेट करना सीख जाएं कि मैं रिजेक्शन को स्वीकार करता हूं लेकिन उस रिजेक्शन से अपनी गलतियों को स्टडी करें, अपनी कमियों को ढूंढें और उसमें सुधार करें, तो वो दिन दूर नहीं जब सफलता आपके कदम चूमेगी। स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, जैकमा ने कहा कि आप अपने जीवन में जिस भी स्तर पर पहुंचना चाहते हैं उस कदम को प्राप्त करने के लिए, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कदमों से तय किया गया फासला एक दिन आपको मंजिल तक लेके जाएगा, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए एक कदम नहीं बहुत सारे कदमों का समूह इकट्ठा किया जाता है। मेक गुड मेंटर एंड गाइड फॉर योर लाइफ, जो लोग अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो लोग बहुत कम समय में उसका जैसा बन जाते हैं और अपने जीवन में गाइड का सहारा जरूर लें, क्योंकि गुरु चाणक्य ने कहा था यदि सारा जीवन अनुभव करने पर लगाओगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। इसीलिए दुनिया में जितने भी सफलतम लोग हुए उनकी सफलता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में असफल हुए उनकी असफलता भी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू मेक वन मेंटर इन योर लाइफ एंड ट्राई टू फॉलो ऑल द सक्सेसफुल पीपल एज दे गाइड यू। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट कंप्लेन
जस्ट लर्न। यदि आप जीवन में और सफलता पाना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी विषय को लेकर दूसरों पर कंप्लेंट ना करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन गलतियों से सीखें। एक गलती आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का दूसरा मौका देती है, क्योंकि गलतियां केवल तभी होती हैं जब आप कुछ नया करते हैं और नए करने की चाहत ही आपको आपके जीवन में सफल बनाती है। यदि आप अपने जीवन में अपार सफलता पाना चाहते हैं तो निरंतर प्रयास करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.